गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सुरभा और आज का फिर से एक डिटेल वीडियो। कल वीडियो नहीं बना पाए थे, कल एक्चुअली मैं आउटसाइड था, आउट स्टेशन था, सो वीडियो नहीं बन पाया था। आज मार्केट मार्केट काफ़ी स्टेबल और एक डायरेक्शन में ट्रेंड रही। मार्केट का कोई रिट्रेसमेंट या कोई चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिली और मार्केट कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में एक बार स्टार्ट होने के बाद दोबारा से कभी डाउन आई ही नहीं। तो आज निफ्टी और सेंसेक्स दो सिंबल में ट्रेड करना था, दोनों सिंबल में ट्रेड हुई और मॉर्निंग में एक मैसेज मिस्टेक हुई, मैंने मैसेज पास ऑन किया। ऑब्वियसली सबको पता है कि एक का प्राइस शुड बी बिलो SLT 1 SLT 2 किसी भी पर्टिकुलर लाइन, यानी ये SLT 2 के ऊपर 62 का SLT 2 था। मैं आपको बताता हूँ 62.25 का SLT 2 था, तो एक का प्राइस इसके ऊपर क्लोज बिल्कुल दिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट करवाया, मैंने मैसेज किया, शायद कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया होगा और इमिडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट इन सेम केस मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं हर बार परफेक्ट ही रहूँगा। 100% आपको 100% आपको एश्योरेंस दूंगा कि हाँ मेरी ट्रेड में या मेरी कॉल में कभी स्टॉप लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हुआ क्या, इमिडिएटली ये प्राइस ऊपर आया, ये प्राइस पहली बार ऊपर था, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मॉर्निंग में चाहिए था, तो ये प्राइस ऊपर था, पर दूसरे का प्राइस यानी कॉल का प्राइस नीचे नहीं आ पाया, SLT 2 के भी नीचे नहीं आ पाया। ये SLT 2 के ऊपर क्लोज दिया, SLT 2 के नीचे नहीं सस्टेन कर पाया। ये SLT एग्जैक्ट ट्रेड अगर कि एग्जैक्ट ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे एक वैल्यू थी और ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ, ये ट्रेड इनिशिएट होता था 9:24 पे कैंडल का क्लोज, यानी 9:25 का कैंडल का क्लोज। उसका अपसाइड SLT को टच भी किया, लो वैल्यू 65 और क्लोज ऊपर और दूसरे का SLT 2 के नीचे। नेक्स्ट कैंडल में यहां पे इसका स्टॉप लॉस कोई नहीं हुआ क्योंकि 65 का जो स्टॉप लॉस, 62 का जो स्टॉप लॉस था 53 का था, 53 का कभी लो ही नहीं लगा, लो 64, लो 63, तो 54 का कभी लो नहीं लगा और ये स्पाइक आया, यहां पे क्लोज दिया, बट ये कैंडल नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। ऑब्वियसली इस ट्रेड के बाद इसका स्टॉप लॉस, इस ट्रेड का कॉल की ट्रेड का स्टॉप लॉस होना चाहिए था, कॉल की ट्रेड का स्टॉप लॉस होना चाहिए था, तभी हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते और वो मेरा मिस्टेक रहा, थोड़ा सा जल्दी में था और नहीं ध्यान दे पाया। सो इसके बाद चलिए, अगर ये ट्रेड हुआ भी और इसका स्टॉप लॉस हुआ तो सेम के सेम टाइम पे आपको यहां पे भी ट्रेड मिल गया, इस वैल्यू पे आपको ट्रेड मिला, क्लोज 102, 102 के बाद मार्केट हाई 120, 140 का हाई है। सो 40% इमीडिएटली वो बैक टू बैक अपसाइड में गया। सो हाई माइनस 5% 10%, इसमें 7% का निफ्टी में 7% का स्टॉप लॉस लेते हैं। उसके बाद देखिए 110 का पुल बैक एंट्री आया, 110 का पुल बैक एंट्री आया, 110 वेयर द 110, 110 इज पुल बैक एंट्री, चेक एग्जैक्टली 110 है, लो वैल्यू 110.25, पुल बैक लेवल 110.65, सो क्लोज दिया मार्केट इमीडिएटली ऊपर 158, 110 से 158 फिर से 50% दोबारा फिर से आया। ये ट्रेड सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आया, स्पाइक मारा, क्लोज ऊपर हुआ, नेक्स्ट कैंडल ऊपर, मे बी इमीडिएटली इस कैंडल के क्लोज पे या फिर नेक्स्ट कैंडल के क्लोज पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो सकता था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर। एग्जैक्ट हाई इज 210 और एग्जैक्ट लेवल 2105, 2104.5 मार्केट रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर से क्लोज ऊपर की तरफ, री एंट्री, मार्केट का हाई, पुल बैक एंट्री, यहाँ पे फिर से एक री एंट्री। अगर इसको आप कंसिडर करें तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक होता है कि इतने लंबे मोमेंट में ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे ट्रेड किया जाए कि नहीं किया जाए, और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहा। 5 मिनट कर लेते हैं, 5 मिनट में चेक कर लीजिए। तो बैक टू बैक पुल बैक एंट्रीज आती है और हर पुल बैक एंट्री ने, जैसे मैं बताता हूं, हर पुल बैक एंट्री ने एक हाई बनाया। अगर हाई नहीं करता है तो पुल बैक एंट्री वैलिड नहीं है, नेक्स्ट पुल बैक एंट्री वैलिड नहीं है। अगर ये हाई बनने के बाद मार्केट दोबारा से आती तो वो पुल बैक एंट्री वैलिड नहीं थी। फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ, अगेन इस एंट्री के बाद फिफ्थ, यहां भी एक नया हाई और फिर से एक नया हाई, तो पूरा दिन एक ही मूवमेंट में रहा। 62 से लेके 368 मल्टीपल टाइम्स। चलिए क्लोजिंग वैल्यू 100 से लेके 360, 360।
सो इन सेम सिचुएशन मैंने सुबह टेलीग्राम पे भी और यहाँ चैट बॉक्स में भी 65 पे दोनों को हैज करवाया था. 65 पे जब हैज करवाया पहली बार, जो मार्केट का लो लगा, आप देखिए लो 21 का है और हाई 161 का है, यानी 2.5 टाइम्स, 250%. और ये 40 पॉइंट डाउन, मतलब आपको आपको यहाँ पे एक 50 60 55 55 60 पॉइंट आपको हैज में डायरेक्टली मिल रहे थे. सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा से फिर से आया, हम देखेंगे 25 31 का लो था, कंटिन्यूसली चलता रहता. अगर हैज में 60 पॉइंट का वैल्यू करते तो आपको एक साइड, एक तरफ आपके 60 पॉइंट जाते और दूसरी तरफ आपके एक मल्टीपल वैल्यू आपको दिखती है. 65 दोनों का हैज सुबह सुबह मैंने टेलीग्राम पे भी और टेक्स्ट में भी यहाँ पे किया था. एक्चुअली स्विच हुआ, इंटरनेट स्विच हुआ और ये बंद हो गया, तो जिसकी वजह से पुरानी चैट बॉक्स नहीं दिखेगा, बट मॉर्निंग में सभी को पता है कि मैंने निफ्टी में हैज कराया था. राइट, सो निफ्टी में एक परफेक्ट हैज और बैक टू बैक द कंटिन्यूअसली कॉल साइड मार्केट पुल बैक एट री एंट्रीज. सेम कुछ ऐसा ही सेंसेक्स में हुआ. सेंसेक्स में एंट्रीज आप खुद देख पाएंगे. हाँ, एक ट्रेड आया एग्जैक्टली क्लोज 175, हाई 228, 175 228, 34 पॉइंट योर टारगेट, तो आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया. सेम इसमें भी एसएलटी लेवल, एसएलटी टू लेवल, एसएलटी और एसएलटी टू लेवल जो थे 332 277, 332 277, समय अराउंड 332 277, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा. ठीक, एंट्री ये प्राइस उसके ऊपर ही मेंटेन कर रहा था, दूसरा प्राइस 277 के नीचे, जैसे ही 277 के नीचे गया ये प्राइस ऊपर था और ये प्राइस क्लोज 276 50. राइट, सो आपको एंट्री मिली, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, कंटिन्यू बैक टू बैक चलता रहा. यहाँ पे देखिए 50 502, अगर कोई 502 का लेवल है तो उसमें 493 का एक लेवल था, 493, लो इज 478, 493, 493 का एक बार लेवल चेक कर लेते हैं, समवेयर अराउंड हियर और मे बी हियर. सो इसमें भी आपको बैक टू बैक पुल बैक एंट्रीज मिलती रही, वो आप एक बार लेवल्स आपके सामने हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और दोबारा से पुल बैक एंट्रीज और री एंट्रीज आप देख सकते हैं. स्टेट मूव 1253, 1553, 1253, 1253 फ्रॉम 400 क्लोज, फर्स्ट क्लोज इज हियर 397, 397 से कंप्लीट एसेट में कंप्लीटली एक डायरेक्शन में मूवमेंट किया. यहाँ पे आपको 20% मिला, ये भी कोई असर नहीं था. देखिए मार्केट डायरेक्टली क्लोज नीचे आया, उसके बाद नीचे आया, क्लोज होने के बाद क्लोज 177 या 180, 180 के बाद 2028, सॉरी 228. सो ये था एसएलटी लेवल का डिटेल. और अभी चलते हैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए. हमने एंट्रीज कराई थी 162 पे और काफी बॉटम पे एंट्रीज थी, 22164 आज का हाई आप देख सकते हैं, आज कहाँ मार्केट था और 47,941 पे एंट्री था और 641 का पहला टारगेट था. उसके बाद ट्रेलिंग एसएल स्टार्ट हो सकता था. 48,700 के आसपास निफ्टी गया, सॉरी बैंक निफ्टी गया और निफ्टी आप देख पाएंगे, निफ्टी निफ्टी 922,967. सो ये शॉर्ट टर्म लेवल हैं, डोंट अवॉइड इट. अभी इसको हम एडिट करेंगे दोबारा से, मार्केट का जो न्यू हाई लो है उसके बारे में इसमें डिटेल डालेंगे, तो ये भी आपको एक शॉर्ट टर्म में एक बड़े मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए बहुत ही परफेक्ट आइडिया है. आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. एंट्रीज बैक टू बैक, पहले हमने टॉप पे एंट्री करवाई थी, एग्जैक्टली टॉप पे था, मार्केट क्रैश हुआ 2000 पॉइंट के आसपास, निफ्टी भी काफी अच्छे खासी बड़ी मूवमेंट में आया और 22164 पे टारगेट कितना था, 22488, राइट, और अभी कितना है, 22967. सो इतनी बड़ी एंट्री और इतने बड़े टारगेट आपको कोई भी सिस्टम आपको नहीं दे पाता. आप उसको समझ के आप एंट्रीज कर सकते हैं. हाँ, थोड़े स्टॉप लॉस बड़े हैं तो टारगेट भी बहुत बड़े हैं. पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए ये एक बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है. और फार्मूला इसमें इनसाइट भी दिया है, आप चाहें तो खुद बना सकते हैं, हमारी जरूरत नहीं है. 54,790, 54,800 और मे बी हियर 73,000. सो अभी प्राइस देख सकते हैं 75,000,
एंट्री कहाँ पे थी? 73,056, 73,056 डेली का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। यहाँ 73,056 ये एंट्री आपकी बनती थी, यानी इस कैंडल पे एंट्री हुई और मार्केट बैक टू बैक अभी तक एक अप ट्रेंड में है और मार्केट नया हाई बना चुकी है। अभी कोई रिट्रेसमेंट आए, नया हाई या नया लो लगेगा तो ये लेवल चेंज होंगे और आप इस पे ध्यान दीजिए। आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा पैसा बनता है जब मार्केट एक ट्रेंड डायरेक्शन में करती है। पहले आपको एक शॉर्ट कॉल मिली थी, यहाँ पे कहीं एंट्री थी और वो इतना लंबा मूवमेंट अब फिर से दोबारा कैप्चर, पूरा पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ और बैंक एक्सचेंज एक्सपिन निफ्टी किसी में भी देखिए आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ परफेक्टली लेवल्स वर्क्स। सो ये इसका डिटेल वीडियो था। स्टॉक में अभी तक जरोदा का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जरोदा से जो फ्री एपीआई और फ्री एल्गो जो हमारा चलता था वो बंद हो चुके हैं। फायर्स और शून्य सिर्फ दो ही में ही मल्टी सेशन अलाउड है, दो ही का ही एल्गो करेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो फायर्स में हमारे रेफरल लिंक से भी आप ओपन कर सकते हैं, तो उसकी फीस में थोड़ा बहुत वेवर उसको मिलेगा एक महीने के लिए और उसके बाद वो उस पर एल्गो मल्टी सेशन एल्गो हम चला पाएंगे। ये आज के स्टॉक थे, आज के स्टॉक देख सकते हैं लाइव ऑनलाइन गूगल सीट मंथली सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। जो स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं ऑप्शंस का इसमें आइडिया नहीं दिया जाएगा, ऑप्शंस के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि अलग से एक फिल्टर है, उस फिल्टर के साथ ही स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं आज कौन कौन से स्टॉक थे, ये बुलिश और ये बेयर्स, राइट, लूजर और गेनर दोनों के दोनों हैं। यहाँ पे लूजर गेनर का चार्ट देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट देखिए, जो नॉर्मल ओपन हुआ, जो बड़े गैप अप गैप डाउन में ओपन नहीं हुआ उसके बाद मार्केट कहाँ गई, कौन कौन से स्टॉक चले वो आप खुद देख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो को स्लो डाउन करके आप उसके स्टॉक चेक कर सकते हैं, मैं कोई स्टॉक का डिटेल नहीं दूंगा। हैजिंग अभी स्टॉप्ड है, नेक्स्ट वीक से फायर्स और शून्य पे हैजिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फायर्स का ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट है तो फंड को उधर से उधर ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी उसको नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तीन चार दिन से ये पूरा ही वीक निकल गया, लास्ट वीक से ही जरोदा बंद है, तो इस हफ्ते में कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो जैसे ही एल्गो स्टार्ट होता है फायर्स के एल्गो कन्वर्ट हो जाएंगे, एसएलटी लेवल के भी एल्गो जितने भी हैं वो फायर्स या शून्य पे अभी मल्टी सेशन हम चेक कर चुके हैं, धन और अप स्टॉक पे एक बार चेक कर रहे हैं, अगर मल्टी सेशन अलाउड होगा तो हम उसमें भी हम ट्रेड कर पाएंगे। तो अभी मोस्टली चार या पांच ब्रोकर हैं, पहले 7-8 ब्रोकर के साथ हो गया था बट अभी 4-5 ब्रोकर हैं जिनको हम इजीली कर पा रहे हैं। एंजल वन में सिंगल सेशन है, उसमें भी एक टाइम पे एक ही एल्गो चलता है, दूसरा एल्गो नहीं स्टार्ट कर सकते, एपीआई कनेक्शन के साथ भी नहीं कर सकते। तो एंजल वन में और अलायंस ब्लू में दोनों के दोनों में ये सिंगल सेशन का इश्यू है, हमें दो सिंबल हर रोज ट्रेड करने तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम चाहते थे कि आपका कोई एपीआई का कोई खर्च ना हो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई मिले और उसी से इंटीग्रेट करके हम उसी के चला पाए, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ब्रोकर में है, जब तक वो चलेगा तो ठीक है, उसके बाद कोड कन्वर्ट किया जा सकता है, देयर इज नो इश्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोहा, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स और कैसे चीजों को समझ के आप ट्रेड कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है एल्गो में या एसएलटी लेवल में तो प्लीज कनेक्ट कर सकता है, और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही है, स्टॉक फ्यूचर्स का मंथली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है क्योंकि गूगल सीट में कन्वर्ट कर दिया गया है और गूगल सीट में लाइव डाटा अपडेट हो रहा है अच्छे से। सो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मंथली बेसिस पे आ सकता है, और बाकी एसएलटी लेवल लाइफ टाइम बेस पे है, उसमें हमारी कुछ अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज हैं जो हाईली एक्यूरेट हैं और वो स्ट्रेटेजी भी उस पैकेज में दी जा सकती हैं। एसएलटी के साथ आपको एक शॉर्ट टर्म और एक स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी ऑप्शंस के उसमें स्ट्रेटजी हम देते हैं जो अप्रोक्सीमेट 60% का प्रॉफिट बुकिंग के साथ है, उसमें स्टॉप लॉस कोई नहीं है और वो भी एक स्मॉल है, एक आप कह सकते हैं कि वो एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, वो भी एक पर्टिकुलर लॉस लॉस के बाद वहाँ पे हैज कर दिया जाता है, तो जिसमें आपको 30-40% का से ज़्यादा का ड्राडाउन कभी नहीं आता, 30-40% से ज़्यादा का ड्राडाउन किसी भी ट्रेड में नहीं आता और एक्यूरेसी रेट अनबिलीवेबल है। तो जो भी चेकआउट करना चाहें कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ, मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।